हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और जो हमारा आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है स्टाफिंग प्रोसेस। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम कई पार्ट्स में करेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस। एज यू आर नाउ अवेयर, द प्राइम कंसर्न ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इज द मैनेजमेंट प्रोसेस इज द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि जो स्टाफिंग फंक्शन है उसका प्राइम कंसर्न क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको टाइम पर फुलफिल करना। दीज रिक्वायरमेंट्स में अराइज इन केस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। यह रिक्वायरमेंट जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय अराइज हो सकती है। और एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है अगर उसको एक्सपेंड करते हैं, उसमें कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उस टाइम भी स्टाफिंग की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि अगर बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो उसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और मैन पावर के लिए हमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी। और दे मे अराइज एज ए मैटर ऑफ द नीड फॉर रिप्लेसिंग दोज हु क्विट, रिटायर और आर ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड फ्रॉम और आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। और स्टाफिंग की आवश्यकता कब पड़ सकती है, जब कोई बिजनेस को कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाता है, कोई रिटायरमेंट लेता है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन होने से जो पोस्ट खाली हुई है उसको फिल करने के लिए। और अगर कोई बंदा जो है बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया जाता है तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए भी स्टाफिंग की आवश्यकता होती है। एज सच इट इज इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट स्टाफिंग एज ए प्रोसेस। स्टाफिंग की प्रोसेस को अप्रिशिएट करना इम्पोर्टेंट है। That starts from understanding the manpower requirements within the organization, जो कि organization में कितनी manpower की requirement है यह समझने से start होती है। जब staffing की process start होगी तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि किसी organization में manpower की कितनी requirement है, तब उसके बेस पे ही हम staffing start करेंगे। Second, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल सोर्स फ्रॉम वेयर इट कैन बी मेट। और दूसरा यह देखेंगे कि जो हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो सकती है, उसका रिसोर्स क्या हो सकता है, आइदर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। ये जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो हैं उनसे भी पूरी कर सकता है और आउटसाइड से भी हायर कर सकता है। जो फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट करना, उसका अनुमान लगाना कि कितनी मैन पावर की आवश्यकता ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल है। यू आर अवेयर दैट व्हाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी तक आप अवेयर हो चुके हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, वी अंडरटेक एन एनालिसिस ऑफ द डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग लेवल्स एक्टिविटीज एज वेल एज रिलेशनशिप अमंग देम। हम डिसीजंस का एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लेवल का एनालिसिस करते हैं, एक्टिविटीज का एनालिसिस करते हैं और इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब एनालिसिस करने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, विद ए व्यू टू इवॉल्विंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर। इन सभी चीजों का एनालिसिस करके ही जो स्ट्रक्चर है उसके जो अलग अलग डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनका डेवलपमेंट हो सकता है, उनको इवॉल्व कर सकते हैं। दस वेरियस जॉब पोजिशंस आर क्रिएटेड। उसके बाद वो इस जो सारी जॉब पोजीशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं।
क्लियरली परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन विद ए स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। तो यह क्लियर है कि प्रत्येक जॉब परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक है कि एक ऐसे स्पेसिफिक क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाए जिसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, स्किल हो, पहले से उसको एक्सपीरियंस हो उस काम के रिगार्डिंग, और इसी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट हैं सभी को ध्यान में रखा जाता है। दस अंडरस्टैंडिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट मियरली मैटर ऑफ नोइंग हाउ मैनी पर्संस वी नीड बट आल्सो ऑफ व्हाट टाइप। सिर्फ मैन पावर की रिक्वायरमेंट को समझना ही नहीं है बल्कि यह भी जानना है कि कितने लोगों की आवश्यकता है और किस तरह के लोगों की आवश्यकता है। किस तरह के लोगों की आवश्यकता मतलब कि किस तरह की उनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। गिवन दैट वी नीड टू एनकरेज वीमेन पर्संस फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड पर्संस विद स्पेशल एबिलिटीज टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इज ए नीड टू अंडरस्टैंड एंड इफ द नीड बी टू रीडिफाइन मैन पावर रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंगली। और इस चीज की भी हमें आवश्यकता है कि हम वीमेन्स को एनकरेज करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं उनको एनकरेज करें, और जो जो स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग हैं जिनको सुनने या देखने में प्रॉब्लम है उन सब लोगों को एनकरेज करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। इस तरह के लोगों के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस ओपन करनी आवश्यक है। ऑपरेशनली अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स वुड नेसेसिटेट वर्कलोड एनालिसिस ऑन द वन हैंड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस ऑन द अदर हैंड। मैन पावर रिक्वायरमेंट को समझना एक तरफ तो वर्कलोड एनालिसिस के लिए आवश्यक है और दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस के लिए आवश्यक है। अब वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है। वर्कलोड एनालिसिस वुड एनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वर्कलोड एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि उसमें यह देखते हैं कि कितने इम्प्लॉयज चाहिए और किस तरह के इम्प्लॉयज चाहिए, मीन्स उनमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब उसमें देखते हैं। और वर्कफोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। वर्कफोर्स एनालिसिस में यह देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल जो इम्प्लॉयी हैं वो कितने हैं और उनकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इन फैक्ट सच एन एक्सरसाइज वुड रिवील वेदर वी आर अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। वर्कफोर्स एनालिसिस से और वर्कलोड एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है या स्टाफ की अधिकता है, या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ अवेलेबल है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नाइदर ओवरस्टाफिंग नॉर अंडरस्टाफिंग इज ए डिजायरेबल सिचुएशन। इससे यह पॉइंट निकल के आता है कि ना तो ओवरस्टाफिंग होनी चाहिए और ना ही अंडरस्टाफिंग होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ओवरस्टाफिंग सही होती है और ना ही अंडरस्टाफिंग सही होती है। ए सिचुएशन ऑफ ओवरस्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉई रिमूवल और ट्रांसफर एल्सवेयर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरस्टाफिंग होती है तो वह एम्प्लॉयज को या तो उससे वहाँ से निकालना पड़ता है या फिर उनका कहीं और ट्रांसफर करना पड़ता है। ए सिचुएशन ऑफ अंडरस्टाफिंग वुड नेसेसिटेट द स्टार्टिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और अगर अंडरस्टाफिंग होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इस बात पे जोर देता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। हाउएवर बिफोर दैट कैन बी डन, हालांकि यह सब करने से पहले
वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रांसलेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तैयार करें। मीन्स कि जो मैन पावर चाहिए वो किस तरह की चाहिए, उसमें क्या स्किल होनी चाहिए और जो जॉब है हमारे पास वो किस तरह की है, एंड द डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, और जो इम्प्लॉय हमें हायर करना है उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, द डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। और उसमें यह इंक्लूड किया जाता है कि उस इम्प्लॉय में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसी तरह की जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए ये सब पहले डिफाइन की जाती हैं। दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स द बेस फॉर लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयज। यह इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज की पोटेंशियल देखने के लिए कि एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या पोटेंशियल होनी चाहिए एक बेस का काम करती है। जो नेक्स्ट जो स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का वो है रिक्रूटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।